जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पिछले 10 वर्षों से बहुत ही कम वेतन व ठेके पर काम कर रहे एनएचएम मुलाजिमों ने पिछले सप्ताह से रेगुलर करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू की है। हड़ताल से सभी सेहत सुविधाएं पूरी तरह बंद हैं। सरकार मुलाजिमों को केंद्र स्कीम के मुलाजिम मानते हुए उनकी मांगे मानने से इनकार कर रही है। हड़ताल कर रहे मुलाजिमों के हक में जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब की यूनियन ने जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरे भारत में लाखों मुलाजिम नेशनल हेल्थ मिशन के कई कार्यक्रमों में काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन मुलाजिमों को अपने मुलाजिम नहीं मानती है। जब ये मुलाजिम रेगुलर होने के लिए केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो केंद्र सरकार इन मुलाजिमों को रेगुलर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोप देती है। दोनों सरकारें मिलकर मुलाजिमों को लंबे समय से परेशान कर रही हैं।